हेलो पीपल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज हम बनाने जा रहे हैं शाही पनीर। शाही पनीर आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, बिल्कुल एक सिंपल सी रेसिपी जिसके लिए आपको कुछ ही इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। ज़्यादा ये सब आपके किचन में मिल ही जाएंगे। अगर कुछ ना हो तो आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो, अपने हिसाब से कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। जो मैं यूज़ कर रही हूँ आज वो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले चलते हैं मसालों की तरफ। तो मैं आज यूज़ करूँगी 2 छोटी इलायची, 2 क्लोव्स लौंग और 1 तेज पत्ता जिसको मैंने बीच में से कट कर लिया है। उससे क्या है, फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ के आएगा, इन्हेंस होएगा। और हम इसमें छोक के लिए हम यूज़ करेंगे जीरा, थोड़ी सी हम हल्दी यूज़ करेंगे, नमक स्वाद अनुसार, और ये है धनिया पाउडर, सूखा धनिया उसका पाउडर। और आज मैं यूज़ करने जा रही हूँ मैगी मसाला ए मैजिक भी, क्योंकि मेरे पास जा रही हूँ मसाला ए मैजिक, क्योंकि मेरे पास पनीर मसाला नहीं है। जिसके पास पनीर मसाला है वो भी यूज़ कर सकता है। देन आज मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट भी यूज़ करूंगी, थोड़ा सा, बिल्कुल हल्का सा, वो मैं आपको दिखा दूंगी। और लास्ट में जो शाही पनीर का टेस्ट बिल्कुल बढ़ा देता है वो है ये, गेस करो ये क्या है। हाँ जी राइट, ये है हमारी कस्तूरी मेथी जो कि हम ऐड करेंगे आज लास्ट में हमारे शाही पनीर में। और हमें क्या लेना है, मैंने ली है 3 छोटी मिर्च, 2 कलियां लहसुन और 2 छोटे प्याज, ये मैंने बीच में से कट कर लिया था प्याज, 2 छोटे प्याज और आधा टमाटर। टमाटर हम सिर्फ आधा यूज़ करेंगे क्योंकि आज हम यूज़ करने जा रहे हैं दही। दही भी ऐड होती है और दही से पनीर का जो टेस्ट है वो और 2 गुना हो जाता है, और ये हमारे पनीर को बहुत अच्छा स्वाद देती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कैसे मैं कैसे बनाती हूँ बेसिकली। और हाँ, आपको इसके लिए एक मिक्सी भी चाहिए होगी, और छोटा मिक्सी जार जिसमें अच्छे से ये जो प्याज टमाटर हरी मिर्च और लहसुन है अच्छे से एक पेस्ट बन जाए, कोई भी गांठे नहीं रहे, इसलिए अपनी मिक्सी अपने पास रेडी रखना। ओके, पेस्ट बनाने के लिए हम सबसे पहले इसमें डाल देंगे हमारा लहसुन, और लहसुन के साथ ही हम प्याज ऐड कर देंगे। मैं प्याज कट कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। प्याज मैंने कट कर लिया है, अब हम प्याज को अपने जार में डाल देंगे। ओके, अब हम मैं इसको चर्न करती हूँ। हमारे प्याज और लहसुन की एक अच्छी सी स्मूथ पेस्ट बनके रेडी हो चुकी है। अब मैंने पैन चढ़ा दिया गैस पे और गैस भी कर दी है ऑन। अब ये बबल्स जाने तो पानी के, फिर हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। हम इसमें रिफाइंड ऑयल ही यूज़ करेंगे, जो ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है वो ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन ऑलिव ऑयल से इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है, तो मैं यूज़ करूँगी रिफाइंड ऑयल। मैंने ऑयल डाल दिया है, अब इसमें हम डालेंगे जीरा। ऑयल गर्म होने के बाद उसमें हमने ऐड किया है जीरा, बाकी के जो हमारे खड़े मसाले, तेज पत्ता, इलायची, लौंग। इलायची को अगर आप कूट के डालना है कूट के डाल सकते हैं, और अगर आपको उसको खोल के डालना है खोल के डाल सकते हैं, लेकिन बंद नहीं डालें क्योंकि उससे क्या है फिर इलायची का टेस्ट नहीं आता है प्रॉपर। थोड़ा सा हम इसको ऑयल में, जब ये हमारे मसाले थोड़े से भुन जाएंगे तब हम इसके अंदर डालेंगे अपनी लहसुन और प्याज का पेस्ट। हमारे मसाले अच्छे से भुन गए थे और मैंने फिर उसमें डाला है थोड़ा सा, देखो आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट और हमारा लहसुन और प्याज का पेस्ट। अब हम इसको अच्छे से भूंजेंगे, तब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है, तब तक थोड़ा सा सुनहरा लाल नहीं हो जाता है, तब तक हम इसको भूंजेंगे। फ्लेम आप देख सकते हैं, हमें फ्लेम बिल्कुल लो पे रखनी है। जितनी आप फ्लेम लो रखोगे, जितनी गैस आप धीमी रखोगे, आपका ये फ्लेवर्स उतने और अच्छे से ऐड होंगे, और धीमी आँच पे खाना सच में बहुत स्वादिष्ट बनता है। तब तक ये धीमी आँच पे भूंज रहे हैं, हम अपने टमाटर और मिर्च की एक अच्छी सी स्मूथ पेस्ट बना लेते हैं। मैंने डाल दिया मिर्च, टमाटर मैं कट कर लेती हूँ, फिर इसमें ऐड, टमाटर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, क्योंकि जितना भी ये इसकी चारों तरफ लगा हुआ है ना, ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा और कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं होगी। तो मैं इसमें हल्का सा पानी ऐड कर लेती हूँ, 2 ड्रॉप्स। हमारे टमाटर और मिर्च की भी एक स्मूथ सी पेस्ट रेडी हो चुकी है, और ये देखिए अभी ये गोल्डन ब्राउन नहीं हुआ है, इसको और 2 मिनट चाहिए, 2 मिनट और इसको लो फ्लेम पे घुमाते रहिए। तब तक मैं अपने फ्रोजन पनीर को डीफ्रोस्ट कर लेती हूँ। जी, मैं यूज़ कर रही हूँ फ्रोजन पनीर, क्योंकि सिंगापुर में फ्रेश पनीर मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, हमने तो कभी नहीं देखा। अगर आपको आइडिया हो तो कमेंट डाउन बिलो, और आप हमें बता सकते हैं कि फ्रेश पनीर अगर सिंगापुर में मिलता है या नहीं। इसे मैंने पानी ले लिया अपना, इसको हम कर देंगे गैस को ऑन, और अब मैं अपने पनीर को कर देती हूँ डीफ्रोस्ट। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो दिल्ली दरबार का पनीर बेस्ट है। अमूल पनीर मैंने ट्राई किया, बट वो बहुत रबर रबर टाइप का था, थोड़ा खिंचा खिंचा। ये दिल्ली दरबार पनीर बहुत सॉफ्ट है और ऐसे मुंह में पिघलता है, तो इसलिए
मेरा तो रिव्यू ये है कि आप दिल्ली दरबार पनीर ज़रूर यूज़ कीजिए, यू विल लव इट। मैंने पनीर को ऐड कर दिया है गर्म पानी में। अब इस मैंने ऑलमोस्ट 20 से 25 क्यूब्स ऐड किए हैं पनीर की, क्योंकि हम दो लोग हैं तो उस हिसाब से मैंने क्वांटिटी यूज़ की है। आप जैसे भी हैं, जितने भी लोगों का आप बना रहे हैं, आप उस हिसाब से क्वांटिटी ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे प्याज भी अच्छे से भुन चुके हैं, अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारी टमाटर और मिर्च की पेस्ट जो हमने बनाई थी। अब हम इसको भी अच्छे से भून देंगे, इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। को हम कुक करेंगे और 1 मिनट के लिए, फिर इसके अंदर हम जो भी हमारे बाकी के सूखे मसाले हैं वो ऐड करेंगे। तब तक हमारा पनीर भी अच्छे से डीप फ्रीज हो जाएगा और फिर हम पनीर उसमें ऐड करेंगे। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी हिला के और इसमें ऐड कर दिया, और इस मोमेंट पे हम थोड़ी सी अपनी जो आंच है वो लो से मीडियम कर लेंगे, और अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे 1 मिनट के लिए और, जब तक थोड़ा सा इसका पानी सूखने का। इससे पकाते हुए हो गई हमें ऑलमोस्ट 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा और मैं ऐड करते हैं, दैट्स इट, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर, और एक आज का स्पेशल मसाला जो है वो है मसाला एक मैजिक। हम थोड़ा सा, आपके पास अगर पनीर मसाला तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं बिल्कुल हल्का सा मसाले मैजिक ऐड कर रही हूँ, और इसको हम अच्छे से सभी मसालों को इसके साथ मिक्स कर देंगे। मसालों को हम पकने देंगे 2 मिनट के लिए, क्योंकि अगर मसालों का कच्चा बनाएगा तो वो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मसालों को अच्छे से पकाना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसको 2 मिनट के लिए और पकने देंगे, ताकि जो मसालों की कच्ची स्मेल है और जो कच्चा बन है वो एकदम से ख़त्म हो जाए। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, आई होप कि आपके पनीर मसाले के लिए इतनी ही अच्छी खुशबू आ रही होगी जितनी अच्छी खुशबू मेरे मसाले की आ रही है। तो गाइस 2 मिनट हो गई हैं, 2 मिनट से ज़्यादा ही हो गई है मसाले को पकते हुए। अब हम इसमें डालेंगे दही। दही को हम अच्छे से, मैंने दही को फेंट लिया है, इसके अंदर कोई भी गांठें नहीं आनी चाहिए। देखिए मैं थोड़ा सा और फेंट देती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ गांठें दिख रही है अभी भी दही में। अगर आपको एक बार मिक्सी में इसको घुमाना है तो आप मिक्सी में भी इसको चर्न कर सकते हैं। करेंगे अपने मसाले में जितनी दही आपको डालनी है आप उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं, अंदाजे से। मैंने इसमें ऑलमोस्ट 1/2 कप दही ऐड किया, उससे ग्रेवी क्या है थोड़ी सी गाढ़ी बनती है और जिससे कि बहुत स्वादिष्ट टेस्ट आता है। अभी आप देख रहे हैं ना शाही पनीर वाला जो रंग है ग्रेवी का वो आ गया है इसमें, कितना प्यारा कलर आ रहा है। देखो गांठे नहीं है बिल्कुल भी लम्स, अगर एक तो है तो उसको मैं स्पैचुला की हेल्प से उसको हटा दूंगी, हमारी ग्रेवी बिल्कुल स्मूथ बनी है। अब लो फ्लेम पे इसको हम 1 to 2 मिनट इसको कुक होने देंगे। अब लो फ्लेम पे इसको कुक होने दीजिए, तब तक हमारा पनीर भी अच्छे से डीप फ्रीज हो चुका है। मैंने गैस भी ऑफ कर दी है, अब इसको हम निकाल के डायरेक्ट हम अपनी ग्रेवी में ऐड कर देंगे। इस ग्रेवी को ऑलमोस्ट 5 मिनट हो गया था पकते हुए, अब मैंने इसमें पनीर ऐड कर दिया। मैं आपको एक क्यूब निकाल के दिखाऊंगी पनीर से, मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना सॉफ्ट पनीर है। ये देखिएगा इस कितना ही ये सॉफ्ट पनीर है, बिल्कुल हाथ लगाते ही टूट है, देखिए बहुत सॉफ्ट है। मैं आपको टच करके दिखा देती हूँ, देखिए बहुत ही सॉफ्ट पनीर है। हमने सारा पनीर अपनी ग्रेवी में ऐड कर दिया। अब लास्ट बारी, जो पनीर का टेस्ट जीरो से हीरो कर सकता है वो है हमारी कस्तूरी मेथी। एंड जो कस्तूरी मेथी जो पनीर का टेस्ट है वो बहुत अमेजिंग कर देती है, इससे जो लास्ट स्टेप है पनीर का वो है हमारी इसमें कस्तूरी मेथी ऐड करनी। और वो कस्तूरी मेथी हम कैसे ऐड करेंगे, हम अपनी दोनों पाम के बीच में उसको अच्छे से मस लेंगे, ताकि वो थोड़ी सी जो उसके पत्ते हैं खड़े खड़े वो पाउडर फॉर्म में हो जाए, और फिर हम उसको अपने पनीर में ऊपर से डाल देंगे। देखिए गाइस मैंने इतनी सी कस्तूरी मेथी ली है अपनी हथेली में, और दूसरी हथेली से मैं इसको क्रश करूंगी और फिर ऊपर से पनीर में ऐड कर दूंगी। मैंने कस्तूरी मेथी ऐड कर दी है हमारे पनीर में, अब हम इसको कर देंगे, मैंने अपनी कस्तूरी मेथी कर दी है ऊपर से ऐड, अब हम इसको एक लास्ट मिक्स देंगे। और देख रहे ना गाइस कि आप सब देख सकते हैं ना कि ग्रेवी कितनी ही गाढ़ी बनी है, और कस्तूरी मेथी डालने से जो खुशबू और जो टेस्ट जो दोनों चीज़ें बढ़ती हैं वो माइंड ब्लोइंग है, अमेजिंग। अब हमारा शाही पनीर हो चुका है रेडी, और अब हम फ्लेम अपनी कर देंगे ऑफ।
और हम अपने पनीर को ढक देंगे। अब हम इसको पनीर को अपने को रेस्ट करने देंगे जब तक आप सर्व करते हैं इसको। मैं तो कहूंगी एटलीस्ट 10 मिनट्स तक आप इसको ढक के रखें, क्योंकि क्या है सारे फ्लेवर्स जो हैं, कसूरी मेथी का फ्लेवर और भी जितने भी आपके खड़े मसाले थे, सूखे मसाले थे, वो जो पनीर है वो सभी मसालों को अपने अंदर सोख लेगा और दही का जो थोड़ा सा खट्टापन है उसको अपने अंदर सोख लेगा और बहुत ही एक अमेजिंग टेस्ट मिलेगा। मैं आपको मिलती हूँ 10 मिनट के बाद। तब तक आप कुछ और काम मत करिए, पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितनी भी वीडियोस है देखिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए और हाँ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतना लोग मेरी रेसिपीज को देखेंगे, उतना ही हम सब साथ में मिलके टेस्टी टेस्टी खाना इंजॉय करेंगे। हमें ऑलमोस्ट 10 मिनट हो चुके हैं और अब हम देखते हैं अपनी ग्रेवी और पनीर। वाह, देखो पनीर ने सारी ग्रेवी सोख ली है, हमारी ग्रेवी जो है और भी गाढ़ी हो चुकी है। अब आप इसको सर्व कीजिए और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए। ये देखिए हमारा शाही पनीर बनके रेडी है, अब आप इसको अपने घर बनाइए, इंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ, स्पेंड सम क्वालिटी टाइम, अच्छा खाइए और स्वस्थ रहिए, वो सबसे ज़रूरी है। और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और चटपटे ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।